کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں
कि क़यामत के दिन जो वो लोग मेरे सबसे ज्यादा करीब होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत क़यामत वाले दिन कई लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते, हमें आपकी कुर्बत नसीब होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि मेरे करीब तुम हो सकते हो, जो वक्त ने फासले डाल दिए हैं वो तो नहीं करीब हो सकते, लेकिन क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जो उनमें से मुझ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर आपने फरमाया कि बड़ा ही गफीर है वो शख्स, यानी बुखल करने वाला है, कंजूस है, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर, यानी जब हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए तो बेख्तियार हमारे हमारे जुबानों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आ जाते हैं। और जितनी दफा की हर दफा ये अल्फाज जो है ये हमारे जुबानों में आने चाहिए। एक रावी बयान करते हैं कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपसे पूछा कि मैं अपनी दुआ के वक्त एक बड़ा हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में सर्व करता हूँ, यानी दुआ करता हूँ ना जब, कहते हैं वो बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहता हूँ, तो दुरूद में सर्व करता हूँ बहुत बड़ा हिस्सा। तो बेहतर हो कि हुजूर इरशाद फरमाएं कि मैं अपनी दुआ के वक्त में किस कदर हिस्सा हुजूर पर दुरूद भेजने में महसूस कर सकूं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना चाहो। मैंने अर्ज किया कि क्या एक चौथाई, यानी आई फ्यूटर एक चौथा हिस्सा, फरमाया जितना चाहो, अगर इसमें इजाफा करो तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर। मैंने अर्ज किया कि आइंदा मैं अपनी दुआ का सारा वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद के लिए मुकर्रर करता हूं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत में तुम्हारी सारी जरूरतें और मुरादें पूरी होंगी और सब गुनाह। कैसा प्यारा कि अल्लाह ताला तो जानता है कि हमें क्या और नहीं क्या जरूरत है, और जब हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो और उस जरूरत को सामने रखते हुए पढ़ रहे हो कि ये हमारी जरूरत है, लेकिन मैंने जरूरत का इजहार नहीं करना, अल्लाह ताला से वो मेरे दिल में है, बता दे रहे हो कि आप जानते मेरी क्या जरूरत है, लेकिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद भेजूंगा तो अल्लाह ताला वो जरूरत और वो मुराद पूरी कर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और वो है कि सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर। और दुआ की कबूलियत के हवाले से हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो दुआ हम करते हैं वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती और मुअल्लक लटकी रहती है, खुदा तक नहीं पहुंचती जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेज दिया जाए। तो दुरूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद को हमें कसरत के साथ करना चाहिए, कसरत के साथ, और इस बात को अपनी आदत का हिस्सा हमें बना लेना चाहिए कि जब भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम हमारे सामने लिया जाए तो हम खामोशी से ना बैठे रहें कि खामोशी से नाम सुन लिया है, बल्कि देख क्या हमारे जुबानों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आने चाहिए। हजरत खलीफतुल मसीह सानी नवरुल्लाह मरकज़ फरमाते हैं बस दुरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदारिज की बुलंदी
और आपकी उम्मत की तरक्की के लिए इतनी जाने दुआ सिखाई गई है कि इससे बढ़कर कोई दुआ तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें यह सिखाया गया है कि इलाही वो रहमतें जो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी जरूरत पर नाजिल हुई उनसे बढ़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नाजिल की जाए, यानी जिस तरह इब्राहिम को उनके मांगने से बढ़कर मिला, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मांगा है आपको भी उससे बढ़कर इनाम दिया जाए। और चूंकि वसअत फैज के लिहाज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बहुत बड़ी हुई है, इसलिए आपके इनामात भी इब्राहिमी इनामात से बहुत बढ़कर हैं। हजरत मसीह मौऊद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, दुरूद जो हुज़ूर इस्तेकामत का एक जबरदस्त तरीका है, बकसरत पढ़ो मगर ना रस्म व आदत के तौर पर, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व एहसान को मद्देनजर रखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदारत और मुरादत की तरक्की के लिए और आपकी कामयाबियों के लिए और आपकी कामयाबियों के वास्ते इसका नतीजा ये होगा कि कबूलियत दुआ का शीरीन और लजीज फल तुमको मिलेगा। अल्लाह ताला फिर इंसान की दुआएं करे, अल्लाह ताला करे कि हम बकसरत प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले हों, क्योंकि खुदा फरमाता है कि खुदा और उसके फरिश्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और ऐ मोमिनो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम افضل الصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.